अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। और सुबह के 8 बज रहे थे, मैं अपने लिए चाय बना रही थी। मोहम्मद साहब एक तो नहीं थे घर में, वो गए थे फ्लैग होस्टिंग के लिए। हमारे यहाँ भी वैसे होता है, ये सामने स्कूल है ना, देखिए यहाँ इस स्कूल में होता है। पर मोहम्मद साहब यहाँ नहीं गए थे, वो क्लब हाउस में गए थे, सोसाइटी का जो बड़ा क्लब हाउस है वहाँ गए थे, वो अपने फ्रेंड के साथ गए थे वो। तो मैंने सोचा वो आने तक मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, घर के पसारे वगैरह जो भी होते हैं सुबह सुबह वो उठा लेती हूँ सुबह के। अभी मेरी चाय बन रही थी, तब तक मैं थोड़ा घूम घूम के देख रही थी कि कहाँ क्या क्या पसारे है। ये रहा टावेल, मेरा मेरा नहीं है, इनका है ये। अभी ये इस मैंने आपको पहले भी व्यू बताया था मेरे गैलरी के बाहर का, ये सुबह का व्यू है, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मैं आपको रात का बताऊंगी इंशाल्लाह। और पहले मैं जो सामने है ना टावर, इसके बाजू के टावर में पहले मैं रहती थी, 1-2 साल थी। अभी 4 साल से मैं इसी टावर में हूँ, इसी फ्लैट में हूँ। और मैंने आपको बताया नहीं शायद, मैं पुणे में रहती हूँ। पहले मैं बॉम्बे में रहती थी, फिर इनकी एक जॉब के लिए हम पुणे शिफ्ट हुए, तभी से हम पुणे में ही हैं 6 साल से। और मेरा ये रेंट है, रेंट का घर है। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि जल्दी हमारा यहीं पे खुद का घर हो जाए। और ये देखिए मोहम्मद साहब के टॉयज़ जो वो फैला के गया है। अब मैं नाश्ता करूँगी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ही बन पाओ एक और बटर बन, बन मस्का बोलते हैं ना, वो मैं खाऊँ। आज बहुत मन कर रहा था मेरा, तो मैं वही खाऊँगी बन मस्का। अभी थोड़े थोड़े घूम घूम के पसारे उठा के देखते हैं। और ये एज़ यूजुअल मेरा धोए हुए बर्तन, अभी मैं इसे उठा लूँगी, बर्तन को नीचे ड्रॉवर में रख दूँगी। और ये मेरा प्यारा सा माशाल्लाह सा छोटा सा ओवन जो मुझे बहुत पसंद है। और इस डब्बे में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट रखती हूँ जो अभी ख़त्म हो गया है। अभी मुझे लाना है मार्केट जाके, मेरा कांदा वगैरह सब ख़त्म हो गया है। अभी ये मेरा इलायची है, इलायची पाउडर भी करनी है मुझे, तो उसे मैंने पेंडिंग रखा है, अब मैं आज कर लूँगी इसका, इलायची पाउडर बना दूँगी। हाँ, और मैं कह रही थी मेरा सब सामान ख़त्म हो गया है, वेजिटेबल वगैरह, तो हम बड़े मार्केट से लेके आते हैं, एक्चुअली हड़पसर मार्केट है ना वहाँ से। अभी इनके पास फ़िलहाल टाइम नहीं है, जब इनको टाइम मिलेगा तभी हम जाके लेके आएंगे। अभी तब तक मैं पीछे जाके आज जो ख़त्म हुआ है कांदा लहसुन वगैरह थोड़ा थोड़ा लेके आ जाऊंगी। अभी मैंने बेडरूम का बेड भी क्लीन कर दिया, और ये मैं थोड़ा बहुत स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, मतलब अच्छा ही करती हूँ। मेरे को ऑर्डर आते हैं तो ये किसी कस्टमर का है गाउन, इसे सेम ऐसे ही वो जो वहाँ ऑरेंज साड़ी रखी थी ना वैसा बनाना था, उस साड़ी का ये ऐसा गाउन बनाना है उसको, तो उसने दिया है मुझे बनाने के लिए। देखते हैं, मैं भी कटिंग करूँगी आज उसकी दोपहर को खाना खाने के बाद। एक्चुअली ऊपर का पार्ट मैंने कट कर लिया है, नीचे का बाकी है। और ये देखिए अभी यहाँ पे झंडा वंदन के बाद, फ्लैग होस्टिंग के बाद यहाँ पे डांस चल रहा है, थोड़ा फंक्शन चल रहा है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। और ये मोहम्मद साहब आ गए किए फ्लैग होस्टिंग, हम लोग 7:59 को निकले, फ्लैग होस्टिंग 8 या 8 बजे शुरू हुई, 8 या 8:10 को, जल्दी निकल के कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, पर सेकंड सीट मिल गई। वाह, तो अच्छे से व्यू दिखा, तो मज़ा आया। फर्स्ट टाइम गए थे ना आप एमएनओरा में? नहीं, 2-3 बार जा चुके हैं, एक बार तुम्हारे साथ गए थे। नहीं, फ्लैग होस्टिंग के लिए अपन कब गए थे इधर क्लब हाउस में? नहीं, फर्स्ट टाइम गए आप? मैं खुद नहीं गई हूँ अभी तो, मैं भी आज आने वाली थी आपके साथ, पर वो बहुत अचानक प्लान बना तो मैं रेडी नहीं थी ना इसके लिए। और ये क्या है, क्या मिला है गरीबों को? ये क्या है? नहीं, ऐसे लग रहा है कुछ तो मिला है गरीबों को। वाह, बताओ बताओ, हमको भी बताओ। और ये मेरे चाय और बन मस्का रेडी हो गया है, अब मैं इसे खाऊंगी गैलरी में बैठ के, गैलरी के मज़े ले लेके बाहर के सीनरी के। चाय बहुत अच्छी बनी थी, बनमस्का भी बहुत टेस्टी लग रहा था, मैंने काफ़ी दिन के बाद खाया था। मैं जा रही हूँ पीछे भाजी लेने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। और
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक ला सकूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चा लिया है मैंने एवरेस्ट चिकन मसाला, जो मेरा ख़त्म होने आया था, एक हाफ पैकेट ही बचा था तो मैंने ले लिया। और पानी पूरी मसाला लिया है क्योंकि मैं अब शायद एक हाथ दिन में पानी पूरी बना लूँ इंशाल्लाह। और एज़ यूजुअल मोहम्मद साबिक का चॉकलेट, जब नीचे जाओ तब लाओ। और गवार ली है, अनियन कांदा और लहसुन। अभी तो खैर मैंने थोड़ा थोड़ा ही लाया है, फिर हम एक आध दिन में जब ये फ्री रहेंगे तो हम जाके एक साथ लेके आ जाएंगे ज़्यादा इंशाल्लाह। अभी मैं गवार बटाटे की भाजी बना रही हूँ और दूसरे गैस पे मैंने राइस चढ़ा दिए। इसमें थोड़ा तेल डाल के हम गवार पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। मेरी सास ऐसे बनाती है भाजी, पर बहुत टेस्टी लगती है गवार बटाटे की भाजी। अभी इसको अच्छे से फ्राई करके हम थोड़ा हल्का कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसे निकाल के उसी बर्तन में थोड़ा सा वापस तेल डाल के हम कांदा डालेंगे। कांदा मैंने चॉप कर लिया था अभी, वो जो मशीन में मैंने चॉप किया था। अब स्लाइस भी काट सकते हैं, पर मुझे ये चॉपर में चॉप करना थोड़ा इजी लगता है तो मैं इसी में चॉप कर देती हूँ कांदा। चॉप करके कांदा फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें हम, कांदा हल्का लाल हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर में थोड़ा नमक डाल के पानी छूटेगा तो उसमें भून के फिर हम इसमें ये मसाला डालेंगे। इसे काला मसाला कहते हैं, हम लोग यही मसाला यूज़ करते हैं। वैसे भी हर सब लोग अलग अलग मसाले अपने कूट के यूज़ करते हैं, तो हमारा ये बेसिकली इसमें सारे गरम मसाले हैं जो कूटे हुए हैं। तो अगर आप चाहे तो, अगर ऐसी भाजी आपको बनानी है तो आप गरम मसाले का पाउडर, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची ये पाउडर डाल के भी हो सकता है, क्योंकि इसमें यही सब डाला हुआ है, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची और तेज़पत्ता और सारे गरम मसाले, इनको पीसा हुआ है, उसको हम लोग काला मसाला कहते हैं। और फिर वो मसाला 2 मिनट भुनने के बाद उसमें हम बटाटा और गवार डाल देंगे और फिर थोड़ा हम पानी डाल के उसे अच्छे से पकने देंगे। वो बटाटा और गवार अच्छे से पक जाए, ये देखिए मेरा बटाटा भी अच्छे से गल गया है और गवार भी गल गई है मेरी, तो ये अच्छे से गल जाएगी। फिर हम इसमें सेंग डालेंगे, सेंग को भून के छिलका निकाल के पीसा, मतलब क्रशर में क्रश किया हुआ है, वो जो क्रशर होता है ना हाथ से घुमाते, उसमें क्रश किया। और ये भाजी रेडी हो गई है, ये देखिए मेरी भाजी का फाइनल लुक, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी बनती है भाजी ये। और अब मैं और मोहम्मद साहब एक खाना खा रहे हैं, मैं रोटी खा रही हूँ, रोटी के साथ तो और भी बहुत अच्छी लगती है। मोहम्मद साहब एक दाल चावल, ये बीट रूट है,
जो विनीगर में भिगा के रखा हुआ है। मुझे बीटरूट खाना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। और ये हम जा रहे हैं शाम को मोहम्मद साबी का पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो फिर ये भी जल्दी आ गए थे, तो हम गए थे तुपे कॉर्नर। यहीं पे है एमएनओरा में ही तुपे कॉर्नर एक बना हुआ है जहाँ पे सारी खाने की चीज़ें मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। तो हम अक्सर शाम को सैटरडे संडे तो हम अक्सर जाते ही है वहाँ शाम की चाय पीने के लिए। तो अभी हम तुपे कॉर्नर जा रहे थे। ये देखिए ये जो टावर है ना, ये गेटवे टावर है। किसी दिन मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी। ये देखिए हम पहुंच गए हैं तुपे कॉर्नर। अभी मोहम्मद साहब भी यहाँ पे पानी पूरी खाएगा और मैं और ये यहाँ पे चाय पियेंगे। ये देखिए ये ऐसा है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। चाइनीज़ मोमोज, आइसक्रीम, सब सब मिलता है। वेज थाली, होटल्स भी है यहाँ पर, ये देखो। और कुत्ते भी आते हैं खाने के लिए, बोलो, कुत्ते भी बहुत है यहाँ पर। ये देखिए अभी हम लोग थोड़ा टाइम यहाँ पे टाइम पास करेंगे, खाएंगे पिएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी, ये भी नहीं खाएंगे, मोहम्मद साबिक ही खाएंगे। और फिर हम सिर्फ चाय पिएंगे और फिर हम घर वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। आ गई मोहम्मद साबिक की पानी पूरी। अब मोहम्मद साबिक पानी पूरी खा रहे हैं खुश एकदम, उसको पानी पूरी बहुत पसंद है। रोज़ भी खिलाएंगे, शाम को वहाँ लेके जाएंगे तो रोज़ खाएंगे वो ऐसे। अभी मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।